हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। आज के दिन भगवान का घर केरला में घूमने की जगहों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये राज्य देश के सबसे सुंदर एजुकेटेड राज्यों में टॉप पर आता है। यूं तो इस राज्य का हर कोना घूमने लायक जगहों में आता है, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे केरला के टॉप 5 जगहों के बारे में, जिन्हें आपको अपने विश लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए। शुरू करते हैं नंबर 5 से। 5वें नंबर पे केरला का एलएपी बैकवाटर्स आता है। ये जगह बैकवाटर्स डेस्टिनेशन लवर्स के लिए जन्नत कहा जा सकता है। इस जगह पर इटली के वेनिस शहर की तरह पानी में बसा शहर मौजूद है, लेकिन ये भारत वाला वर्जन दुनिया के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पर केरला के कल्चरल घर, नारियल के पेड़ों वाली हरियाली, शांति वाली लश ग्रीन जगह मौजूद है। इस जगह को बैकवाटर टूरिस्ट का मक्का भी कहा जाता है। विमानन लेक में घूमना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अभी सर्दियों वाला समय इस जगह में घूमने के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस समय यहाँ पर बारिश नहीं होती और टेम्परेचर भी परफेक्ट रहता है। 4th नंबर पर हमारे लिस्ट में आता है मुन्नार। मुन्नार एक मलयालम शब्द है जिसका अर्थ 3 नदियाँ होता है। यह जगह पहाड़ियों में बसी हुई है और यहाँ के टी गार्डन्स और हरियाली टूरिस्ट को काफी ज्यादा पसंद आती है। मुन्नार समुन्दर तल से 1600 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, जहां कॉलोनियल एरा में अंग्रेज ऑफिसर गर्मियों के समय यहां आया करते थे। यहां उनके दफ्तर भी मौजूद थे। कॉलोनियल हेरिटेज, हरियाली से भरे चाय के बाग, झरने और सुंदर लैंडस्केप यहां की स्पेशलिटी है। मुन्नार में नीलकुरगिनी नामक एक पौधा भी उगता है, जिस पर 12 साल में एक बार बहुत ही ज्यादा सुंदर फूल उगते हैं। इस ब्लॉसम सीजन में मुन्नार के पहाड़ियों पे टहलना टूरिस्ट को बहुत ज्यादा पसंद होता है। नंबर 3 पर इस लिस्ट में त्रिवर्तपुरम शहर आता है। ये शहर केरला की राजधानी होने के साथ साथ यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, पर केरला के हर कोने की सांस्कृतिक पकवान और आर्किटेक्चर अगर आपको देखना हो तो इसी शहर में आपको देखने मिलेगा। जैसे कि आपको पता है, केरला राज्य अपनी एजुकेशन के लिए भी जाना जाता है। भारत में स्पेस से रिलेटेड एक्टिविटीज इसी राज्य के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में की जाती है। साइंस में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ये जगह बहुत ही खास है। भारत में इसरो द्वारा बनाए गए रॉकेट और सैटेलाइट बहुत बार यही से लॉन्च किए जाते हैं। इस वजह से इस शहर का नाम लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है। कोई भी विदेशी जब भारत आता है तो इस सिटी को घूमने जरूर आता है। 2nd नंबर हमारे लिस्ट में आता है कोची शहर। कोची शहर बिल्कुल समुन्द्र के किनारे मौजूद है। बीच लवर्स केरला में इसी जगह को देखने के लिए आते हैं। ये शहर हजारों साल पुराना है, पर 700 साल से भी पुराना कोचिन पोर्ट यहाँ पर मौजूद है। इस शहर को क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। इस सिटी को बीच पार्टी, हनीमून डेस्टिनेशन के लिए भी सबसे बेस्ट जगह माना जाता है। इस शहर से आप क्रूज शिप भी बुक करवा सकते हैं। त्रिवेंद्रम की तरह ही यहाँ की सिटी लाइफ भी पीसफुल और एंजॉय करने लायक होती है। मुंबई दिल्ली शहरों की तरह भीड़ भाड़ और शोर शराबा यहाँ पर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। यहाँ आने पर आपको जरूर एहसास होगा कि आपने आपके ट्रिप में इस सिटी को चुन के कोई भी गलती नहीं की है। हमारे पहले नंबर पर हमारा आखिरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन मौजूद है। ये केरला के बहुत ही ज्यादा फेमस शहरों में से भी एक है, जिसे कोलम शहर कहा जाता है। कोलम शहर भी केरला में अपनी बीच लाइफ के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इसी के साथ यहाँ की अस्तामोदी लेक भी टूरिस्ट के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। इस लेक में ज्यादातर टूरिस्ट बोटिंग करने के लिए आते हैं। यहाँ पर झरने, नदियाँ, झील, समुन्दर, सारी की सारी अट्रैक्शन मौजूद है। ये केरला के साउथ में मौजूद एक बीच सिटी है। इस सिटी का एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। यहाँ पर एक पहाड़ी मौजूद है जिसे जटायुपुर कहा जाता है, जो केरला
केरला की काफी बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। उम्मीद है केरला के बारे में वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि आपके शहर के बारे में भी आप वीडियो देख पाए। अगर आप अपने शहर की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद मी, आपका होस्ट परेश चौगुले।